तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि शरीर संकेत देता है जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। हाँ, संकेत देता है जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इससे पहले दोस्तों, मैं बॉडी क्या संकेत देती है इस पर चर्चा करूँ, इससे पहले एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कोलेस्ट्रॉल दो टाइप का होता है, एक तो गुड कोलेस्ट्रॉल और दूसरा बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, जबकि बैड कोलेस्ट्रॉल धमनियों में प्लाक का निर्माण और रुकावट का कारण बन सकता है। प्लाक मीन्स वहाँ चकते बन जाते हैं, और एक तरह से जब प्लाक बन जाता है या चिकनाई जमा हो जाती है तो धमनियों में ब्लड रुक जाता है, ब्लड का बहना कम हो जाता है, ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं बहता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट। मीन टू से कहने का मंशा ये है कि हृदय से संबंधित रोगों का जोखिम बढ़ जाता है, और जिसके नतीजे ये निकलते हैं कि मरीज के अंदर लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क बढ़ने लगता है। इस तरह की कई समस्याएं हृदय से संबंधित मरीजों में देखने को मिलती है। जैसे मैं बात कहूँ तो उनमें सांस फूलने लगती है, या उनके जबड़ों ये और बाहों में भी उन्हें तकलीफ़ दिखाई देनी शुरू हो जाती है, उन्हें दर्द की तकलीफ़ दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह की दिक्कतें कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने पर हमें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, अगर हम इसके ख़ास तौर पे लक्षणों की बात करें तो जैसे हमने बात कही कि भाई सांस का बढ़ जाना, तो ये इसका मेन लक्षण अगर हम कह दें तो ये गलत नहीं होगा। जब कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल पर हो जाता है, यानी उसकी मात्रा हाई हो जाती है, तो मस्तिष्क या हृदय में रक्त का संचार अवरुद्ध हो जाता है, यानी प्रॉपर मात्रा में हृदय को और मस्तिष्क को ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाती, जिससे शरीर में कुछ लक्षण देखे जाते हैं जो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल पर शरीर संकेत करता है उस पर्सन को, जिसके वजह से आपने देखा होगा मरीज़ को हार्ट अटैक, स्ट्रोक या इस तरह की दिक्कतें उसके सामने आती हैं। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि स्ट्रोक के बढ़ने की वो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से आपको हार्ट अटैक और मस्तिष्क जैसी विकार उत्पन्न, मस्तिष्क में भी आपको विकार उत्पन्न होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे, जैसे मैं इसके लक्षण के बारे में कहूँ, बहुत अधिक पसीना आ जाता है, या मैंने अभी भी कहा था कि थकान भी मरीज़ को होना शुरू हो जाता है। और इसमें बेहतर तो ये होता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल किसी भी मरीज़ का या किसी भी शख्स का बढ़ रहा है तो वो खाने पीने संबंधी सावधानियों पर गौर करे। अगर वो खाने से संबंधित परहेज़ करता है तो वो अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटा लेता है, अगर वो एक्सरसाइज करता है तो और तेज़ी से बढ़ा लेता है। कुछ मेडिकेशंस कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने पर आती हैं, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का ट्रीटमेंट हम भी करते हैं। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं कठौर नस रोग निवारण हॉस्पिटल में। दूसरा ये कि व्यायाम के माध्यम से, खान पीन के प्रिकॉशंस के माध्यम से, और एक रेगुलर लिमिटेड प्रिकॉशनेबल डाइट के माध्यम से आप कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, और काफ़ी हद तक क्या, इसको नॉर्मल ही कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे मैंने बोला होगा कि कोलेस्ट्रॉल जो है एक वसायुक्त पदार्थ है जो लीवर के माध्यम से प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर कोई आदमी डाइट पर कंट्रोल करता है, अपनी लीवर को दुरुस्त रखता है, यानी ऐसे डाइट लेता है जिसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं आता या बहुत ज़्यादा चिकनाई नहीं होती है, तो उससे भी वो अपने लीवर उसका दुरुस्त होगा। और जब लीवर दुरुस्त होगा तो लीवर के माध्यम से चूंकि कोलेस्ट्रॉल डेवलप हो रहा है, और कोलेस्ट्रॉल में भी मैंने दो टाइप की बात कही, तो गुड कोलेस्ट्रॉल जब बॉडी प्रोड्यूस करेगी तो बैड कोलेस्ट्रॉल को वो मोशंस के थ्रू बाहर निकाल देगी। मीन टू से
कि कैलेस्ट्रोल काफ़ी गंभीर है, अगर किसी भी इंसान का बढ़ जाता है तो इसको कम करने के लिए डाइट प्लान, एक्सरसाइज और लीवर को एक्टिव रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए अपने डाइट प्लान में फैटी, जितनी भी ऑयली चीज़ें, फैटी वसायुक्त वाली चीज़ें, उन सबको दूर करें और एक्सरसाइज को ज़रूर अपने आप में शामिल करें। और तीसरा ये कि एक्सरसाइज के साथ साथ जो आपका लाइफ स्टाइल है, वक्त से सोना और रेस्ट करना, और अगर हम कहें रेस्ट के साथ, वक्त से सोने के साथ साथ दमा की तनाव को कम रखना, तो उससे बॉडी का जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है वो बहुत ठीक रहता है। इस तरह की कैलेस्ट्रोल जैसी संबंधी बीमारियों के बढ़ने की आशंका कम रह जाती है। दूसरा, वो मस्तिष्क में या हार्ट में जब भी कोई विकार होता है तो ज़िंदगी और मौत से आदमी जूझता है, तो बेहतर है कि ज़िंदगी और मौत से जूझने से कि हम इन तमाम चीज़ों को परहेज में लाएं, इनका ध्यान रखें और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकें। तो ये थी जानकारी दोस्तों कि शरीर कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने पर, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का संकेत देता है, बिल्कुल देता है, उसमें लक्षण आते हैं, जैसे हमने सांस का फूलना बताया, मितली का आना बताया, उसका जी मिचलाता है, या उसकी बॉडी में थकान बताई, या उसके जबाड़े में, बाहा में दर्द आ सकता है, जो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का सीधा सीधा संकेत होता है। और दूसरा, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है इसके बारे में बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जिस मकसद से हमने इस वीडियो को बनाया वो मकसद हमारा कामयाब हुआ होगा। आप हमारे इस मैसेज को, हमारी इस जानकारी को समझ गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने और अपनों के बीच में इस वीडियो को शेयर करेंगे, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, लोग भी फैज पाएंगे और आप भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो हमें दें इजाज़त, फिर एक अगली वीडियो के साथ, एक अगले टॉपिक के साथ हम फिर आपके सामने मुखातिब होंगे। आदाब।